मेरा नाम मुख्य युधिष्ठर है, मेरी एज है 50 इयर्स और मैं यहाँ से वाइस चेयरमैन हूँ इस मंडी का और मेरा काम मिर्ची यहाँ पे ट्रेडर्स हूँ। कुंडी में ये मंडी आई है 1972 में, उससे पहले मिर्ची थोड़ी सी लाल पहले आती थी लौंगी मिर्ची, अब कुछ सालों में हाइब्रिड मिर्ची आ रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन बढ़ती गई डिमांड के हवाले से। तो डिमांड अभी मेरे ख्याल में तकरीबन 7 लाख के करीब दोनों आती है, हाइब्रिड और लौंगी की मिर्ची एक साल की प्रोडक्शन के हिसाब से। ज़्यादातर बाहरी जाती है, नेशनल वाले भी आते हैं, शान वाले भी आते हैं, और भी कंपनियां आती हैं पंजाब की तरफ है, बाहर की तरफ, क्वालिटी वाइज है जैसी क्वालिटी है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, इसमें कम से कम 20 से 25 हज़ार बोरी रोज़ की आती है, रोज़ की बिक जाती है, दूसरे दिन दूसरी आती है, वो लोडिंग होके चली जाती है या गोदामों में चली जाती है या लोडिंग होके जैसे भी चली जाती है। दो टाइप्स हैं, एक हाइब्रिड की एक लूंगी की। लूंगी है जो यहाँ की प्रोडक्शन लोकल प्रोडक्शन है, हाइब्रिड बाहर से बीज आता है, लूंगी की लोकल प्रोडक्शन है, लोकल ही है। उसकी वैरायटी में फ़र्क है, ये तो लंबी मिर्चें होती हैं जो हाइब्रिड होती हैं, लंबी होती है, तीखी ज़्यादा होती हैं, वो तो टेस्ट के साथ ही होती है, अपनी जो लोकल है मार्केट में लूंगी वो तो टेस्ट के साथ अच्छी मिर्च होती है, लोकल है। ये जी पहले ये बीज आया था वहाँ, ये लाहौर के नज़दीक वहाँ राधाराम की मंडी है, वहाँ से बीज आया था, आज से तकरीबन ये 55-56 में वहाँ से बीज आया था। तो उसके बाद फिर यहाँ ये मेन मार्केट होगी, इसको हम लौंगी मिर्ची कहते हैं। यहाँ के मौसमी हालात यहाँ सही हैं, समुंदर की हवा वहाँ ये ज़्यादा होती है। असल उस नाम से ये एशिया के सबसे लौंगी मिर्चों की सबसे बड़ी मंडी है, एशिया में, एशिया में सबसे बड़ी मंडी है। और सीज़न में जब फुल सीज़न होता है इसका शुरू होता है जुलाई से लेके फरवरी तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर में 20-20 हज़ार बोरी आती है, 20-20 हज़ार बोरी एक दिन की अराइवल, और सुबह 9 बजे बोली। एक बोरी में वज़न होता है 27-28 किलो जो फुल भरी होती है, तो मैक्सिमम रेट पिछले साल पहले 7 हज़ार निकला था, बाद में 5 हज़ार हो गया, अब वो पिछले साल वाली मिर्ची का रेट 4200 या 4300 है।